तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए एयर बबल्स फ्लाइट कब चालू होगा। बहुत लोगों का भाई मन में सवाल है कि इंडिया में वैक्सीन आ गया तो इंडिया से सऊदी के लिए कब इंटरनेशनल फ्लाइट मतलब एयर बबल्स फ्लाइट ही अभी चालू होगा तो होगा, क्योंकि 24 कंट्री जा रहा है और इंडिया से सऊदी अरब के लिए एयर बबल्स फ्लाइट ही चालू होगा। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में दो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि एयर बबल फ्लाइट इंडिया से सऊदी अरब चालू हो सकता है, वो फरवरी 10 से पहले चालू हो सकता है, मतलब 6-7 फरवरी पकड़िए, 8 फरवरी पकड़िए। मतलब मैं टाइटल पे लिखा था और मैं वीडियो में ये बताया था कि 10 फरवरी में पकड़ के चला था कि 10 फरवरी के अंदर फ्लाइट चालू हो सकता है। तो बहुत लोग भाई इतना कमेंट आने लग गए कि कोई कह रहे हैं कि भाई ये खबर फेक है, कोई कह रहे हैं कि भाई आपको ये न्यूज़ कहाँ पे मिला, आप खुद से एडिटिंग किए हो, आप खुद से लिखे हो, ऐसा न्यूज़ बहुत बार आया लेकिन फ्लाइट नहीं चलो। भाई मैं भी मानता हूँ, मैं भी साल भर 6 महीना से वीडियो बनाता हूँ तो मुझे भी पता है कि ऐसा न्यूज़ बहुत आया और बहुत फ्लाइट कैंसिल हुआ, बहुत अपडेट आता है और डेली यही आता है कि आज चालू होता है, कल चालू हो रहा है, ये साइन हो रहा है, वो साइन हो रहा है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। लेकिन जब इतना बेटिंग कर ही लिए, इतना न्यूज सुन ही लिए तो ये जो india.com कह रहा है कि आने वाला हफ्ता में एयर बबल्स फ्लाइट इंडिया से सऊदी अरब के लिए, श्रीलंका के लिए, बांग्लादेश के लिए चालू करेंगे, india.com कह रहा है, तो उस पर भी एक बार विश्वास करके देख लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इतना बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में विश्वास किए तो अब india.com को भी विश्वास करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे उस वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में बता देता हूँ क्योंकि नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं उसको भी बता देते। देखिए इसमें लाइव प्रूफ बता रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो में मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट बताया था, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई एडिटिंग किया है, ठीक है। तो देखिए भाई लाइव रिकॉर्डिंग मैं ले लिया हूँ और मैं आपको बता देता हूँ, ये एडिटिंग नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो कि 29 जनवरी 2021 9:12 पे आया है। यहाँ पे लिखा गया इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया प्लान टू साइन एयर बबल्स एग्रीमेंट विथ मोर कंट्री। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि इंडिया भारत सरकार जो है प्लान कर रहा है और भी कंट्री के लिए एयर बबल्स फ्लाइट शुरू करेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया कि इंटरनेशनल फ्लाइट लेटेस्ट न्यूज और डे आफ्टर एक्सटेंडिंग द सस्पेंशन ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट टिल फरवरी 28 द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि अभी 2-4 दिन पहले DGCA और नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट को फिर से बढ़ा दिया फरवरी तक, जो कि फरवरी तक फ्लाइट नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंड है लेकिन एयर बबल्स फ्लाइट चलता रहेगा, वंदे भारत मिशन चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ इंडिया से सऊदी अरब के लिए एयर बबल्स फ्लाइट इंडिया गवर्नमेंट साइन करने वाला है, ठीक है, जो कि आप अगर साइन कर देगा तो आप इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हो आराम से। अब दोस्तों लिखा गया, देखिए फ्राइडे सेड दैट इंडिया इज़ प्लानिंग टू साइन मोर एयर बबल्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया कि इंडिया टू साइन मोर एयर बबल्स फ्लाइट मतलब और एयर बबल्स फ्लाइट जो है इंडिया साइन कर सकता है, मोर एयर बबल्स एग्रीमेंट विद द कंट्री लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश एंड सऊदी अरबिया इन द कमिंग वीक, ठीक है। पिछले वीडियो में दोस्तों बताया था तो अभी भी आदमी लोग कन्फ्यूज है, कमिंग वीक का मतलब है कि दोस्तों आने वाला जो हफ्ता है, मतलब 6-7 फरवरी पकड़िए, 8 फरवरी या 6 फरवरी, एक सप्ताह कितना दिन होता है, मतलब 29 तारीख को ये न्यूज आया, 29 जनवरी को, 29 जनवरी से जोड़ लीजिए कितना दिन के बाद ये एक हफ्ता हो जाता है। तो यहाँ पे बता दीजिए कि भारत सरकार कमिंग वीक आने वाला जो है उसमें सऊदी अरब और श्रीलंका बांग्लादेश के लिए साइन करने वाला है, ठीक है। उस वीडियो में बताया था, बहुत लोग कह रहे थे कि भाई ये फेक है, इसके लिए रिकॉर्डिंग आपके लिए ये प्रूफ हो गया, रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर आपको नहीं न्यूज देखने आ रहा है तो इसके लिए बता, देखिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजिंग है तो आप वीडियो के नीचे लिंक है, उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो ये न्यूज आपको आराम से मिल जाएगा, कहीं ढूंढने का परेशानी नहीं, कहीं दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई मुझे पता है कि भाई इसको ढूंढने में बहुत लोग परेशान हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि भाई इस न्यूज़ का जो है लिंक मुझे दो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए देख लीजिए, आपको तसल्ली मिल जाएगा क्योंकि ये न्यूज़ सही है या फिर ये फेक न्यूज़ था, ठीक है। पिछले वीडियो में ही दे देना चाहिए था लिंक क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग समझ जाओगे, लेकिन भाई ऐसा न्यूज़ आया है कि कोई आदमी विश्वास ही नहीं करेंगे, तो मैं सोचा कि इस वीडियो में आपको क्लियर कट पूरा जो है जवाब सवाल का जवाब दे देना चाहिए। तो दोस्तों जानकारी पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।